अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फॉर यू कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बांगड़ा फिश की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो फिर चलिए हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे वन टाइम ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बांगड़ा फिश जो है इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके इसे धोकर रख लिया है। तो ये छोटी साइज की फिश है, इसलिए मैंने इसे पीसेस में नहीं काटा है, इसे मैं साबित बनाने वाली हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 13 फिश ली है, इसी के हिसाब से हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है, और ये देखिए, ये मैंने पूरी 1 गट्टी लहसुन लिया है, यानी कि ये 12 से 13 जवे लहसुन के हैं। तो इस रेसिपी में हम सिर्फ हरी मिर्च का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये 7 हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1/2 कप मैंने हरा धनिया लिया है, और अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम जार में डालेंगे और जरूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रख लेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम फिश में ऐड करेंगे नमक। तो ये मैंने 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून हमने ग्रीन पेस्ट में ऐड किया है। तो टोटल मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये ग्रीन पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था, तो ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम सारे मसाले फिश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले हमने फिश में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब देखिए, ये लेमन का जूस इसमें ऐड करना रह गया था, तो मैं इसमें ये लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 1/2 नींबू का रस है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो बांगड़ा फिश होती है, इसके गोश्त में हल्का सा कसालापन होता है, तो नींबू का रस ऐड करने से इसका कसाला यानी कि कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मिक्स हो गई है, इसे अब हम ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, और फिश को हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें अगर आप चम्मच बार बार घुमाएंगे तो ये फिश जो है वो टूट जाएगी, तो इसलिए इसमें चम्मच बार बार नहीं घुमाना है। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगी तभी हमें इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए, एक साइड से फ्राई हो गई है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए, हमारी जो फिश है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़बरदस्त फ्राई हुई है। तो इसी तरह से हमें बाकी की फिश भी फ्राई कर लेनी है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, फिश फ्राई करने के बाद ये जो मसाला रह गया है ऑयल में, इसे भी हमें चम्मच से निकाल कर फिश में डाल देना है, और सारी फिश हमें इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। तो सारी फिश फ्राई करने के बाद ये जो मसाला बाउल में बच गया है, थोड़े से ऑयल में हम ये मसाला डालकर बस 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को भून लेंगे। तो इस मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम ये सारा मसाला फिश पर डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिश बनती है। आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपके सभी घर वालों को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिश कैसी लगी है। तो ये एक फिश मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से देखिए कितनी जूसी है। तो ये देखिए, ये कितनी जूसी नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह हमारी फ़िश और उसका मसाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।